गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आरोह भाग एक में संकलित कविता नंबर 8 हे भूख मत मचल, जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल, ये लेकर के आई हैं। और इसकी जो कवियत्री हैं वो अक महादेवी हैं। सबसे पहले हम यहाँ अक महादेवी जी का परिचय करेंगे, यानी कि उनके जीवन से संबंधित उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या रही हैं। उनका नाम अक महादेवी है, वो क्या करती उनके बारे में यहाँ जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कविता नंबर 8 की जो कवियत्री हैं उनका नाम है अक महादेवी। उनका जन्म बारहवीं सदी में कर्नाटक के उडुत्री गांव में हुआ था। उनका जन्म बारहवीं सदी में कर्नाटक के उडुत्री गांव में हुआ था। ये चन्नमल्लिका अर्जुन को, यानी कि जो शिव थे, अपना आराध्य मानती थी। चन्नमल्लिका अर्जुन वास्तव में ही शिव का नाम है। अक महादेवी ने चन्नमल्लिका अर्जुन के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को एक निष्ठा से अभिव्यंजित किया है। इनके साहित्य एवं भक्ति भावना को देखते हुए इन्हें कन्नड़ की मीरा कहते हैं। इनके साहित्य भक्ति भावना को देखते हुए इन्हें कन्नड़ की मीरा कहते हैं। मीरा की भांति इन्होंने अपने काव्य में एकचित होकर भक्ति भावना को अभिव्यंजित किया है। इनके काव्य में सर्वत्र आराध्य देव के प्रति अत्यधिक एक निष्ठता दिखाई देती है। इनके जीवन से संबंधित जो बातें हैं, कहा जाता है कि अक महादेवी जी अपूर्व सुंदरी थी, यानी कि ये बहुत सुंदर थी। अक महादेवी जी अपूर्व सुंदरी थी। इनके रूप सौंदर्य पर वहां का स्थानीय राजा जो था वो मुग्ध हो गया। इनके परिवार के लोगों ने दबाव में आकर इनका विवाह राजा से कर दिया। अक महादेवी ने विवाह से पूर्व 3 शर्तें रखी थी, किंतु राजा उन शर्तों पर पालन न कर सका। तब अक महादेवी ने राज परिवार को त्याग दिया। अक महादेवी विद्रोही थी। यहाँ पर अक महादेवी
विद्रोही थी, यानी कि उनके अंदर विद्रोह की भावना थी। पुरुष प्रधान समाज के वर्चस्व का विरोध करते हुए उन्होंने अपने वस्त्रों को भी त्याग दिया था। इनका विचार था कि स्त्री केवल शरीर मात्र नहीं है। इनका ऐसा कहना करना सामाजिक मर्यादाओं के प्रति खुला विद्रोह था। इन्होंने शिव को अपना आराध्य माना। इनके प्रभाव के कारण यहाँ वहाँ अनेक स्त्रियों ने शैव धर्म को अपनाया। इनकी रचनाएं भारतीय साहित्य में स्त्री आंदोलन को प्रेरणा व प्रोत्साहन देने वाली है। यहाँ पर जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं वो हिंदी में वचन सौरभ, हिंदी में वचन सौरभ, वचन सौरभ के नाम से तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, ये इनकी अंग्रेजी की पुस्तक थी। प्रमुख रचनाएं इनकी ये दोनों उपलब्ध रही हैं। उसमें प्रमुख इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, अक महादेवी जी की रचनाओं में भक्ति भावना का उल्लेख मिलता है। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इनकी भक्ति भावना में एक निष्ठता का गुण सर्वत्र देखा जाता है। इन्होंने अपने आराध्य शिव के प्रति एक निष्ठ होकर भक्ति भावना को अभिव्यंजित किया है। एक सच्चे भक्त की भांति अक महादेवी की रचनाओं में समर्पण की भावना भी देखी जा सकती है। जहां भक्ति भावना में तल्लीनता का भाव है, वहीं समर्पण की भावना भी है। अक महादेवी के काव्य में समाज में व्याप्त विषमताओं एवं बुरी परंपराओं के प्रति विद्रोह एवं क्रांति की भावना है। इन्होंने समाज में स्त्री के प्रति होने वाले अन्यायों व अत्याचारों के विरुद्ध क्रांतिकारी चेतना का शंखनाद किया है। इनका काव्य स्त्रीवाद के आंदोलन के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इनके काव्य की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहमयी है। विषानुकूलता एवं प्रवाहमयता इनकी काव्य भाषा की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इनका जो कविता का सार है, अब यहाँ पर उसके बारे में जो सारांश है वो बता रही हूँ। ये जो यहाँ पर वचन सौरभ है, अंग्रेजी का स्पीकिंग ऑफ शिवा, पाठ्य पुस्तक में अक महादेवी के दो वचन हैं, वचन सौरभ और स्पीकिंग ऑफ शिवा। वचन या कविताएं ली गई हैं। प्रथम कविता या वचन में कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और किस प्रकार वह समाज की फालतू की जो बातें होती हैं उनसे ऊपर उठता है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वह कैसे इनसे छुटकारा पाता है कि मानव शरीर तो एक हार्ड मास का बना हुआ है, फिर इसके प्रति इतना मोह क्यों है। वह यह उपदेश न होकर प्रेम भरा मनुहार है। वह भूख, प्यास, लोभ, मोह, लालच आदि से आग्रह करती है, यानी कि उसे जो भूख लगती है, प्यास लगती है, उसे लोभ हो या मोह हो या फिर किसी प्रकार का लालच हो, वह उन्हीं से आग्रह करती है, उन्हीं को कहती है कि वे मानव को अपने स्वभावगत गुणों से तंग न करें। मानव इनके भ्रम में फंसकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है, यानी कि जब व्यक्ति इनके भ्रम में फंस जाता है तो वह ईश्वर के प्रति उसका मोह भंग हो जाता है। दूसरे वचन या कविता में कवयित्री की एक निष्ठ भाव, यानी कि ईश्वर के प्रति उसकी एक निष्ठा है,
और उसकी भावना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। अपने आराध्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए वह किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहती। वह कोई भी भौतिक वस्तु की प्राप्ति इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उसे प्राप्त करने पर जो अहंकार होता है उसके हृदय में संसार के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह अपने आराध्य से दूर हो जाएगी। यानी कि यदि उसे लोभ मोह लालच अहंकार घेरेगा तो वह अपने प्रभु से दूर हो जाएगी। वह अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करने की कामना करती है। ईश्वर की दया ग्रहण करने के लिए वह सांसारिक पदार्थों के साथ साथ अपने घर बार को भी त्यागने के लिए तत्पर रहती है। यानी कि कवयित्री हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने को ऊपर उठाना चाहती है। वह नहीं चाहती कि समाज के अंदर वह विकारों के अंदर फंसकर अपना प्रभु से उसका रिश्ता टूट जाए और उससे वह वंचित रह जाए। इसी प्रकार यहाँ पर आगे उसने मानव जाति को भी संदेश दिया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं कि इनमें फंसकर व्यक्ति प्रभु का जो सानिध्य होता है उसे भूल जाते हैं और प्रभु भी अपना उन्हें सानिध्य देने से उनको वंचित कर देता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपको मैंने ये बताई है अभी लेखक कवि परिचय बताया मैंने आपको, और ये यहाँ पर इनका कहाँ ये सार बताया है तो इनको आप याद रखेंगे। अब आगे का जो पद्यांशों की व्याख्या है मैं वो भी आपको यहीं पर करवा रही हूँ। इनका पहला जो वचन है, जो पहला वचन इन्होंने यहाँ कहा है उसका जो पढ़ करके उसकी व्याख्या करनी है। कवयित्री कहती है हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, हे प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। यहाँ सताना कहा है तंग करना, तंग करना पाश कहते पाश में जकड़ना यानी कि अपने आगोश में जकड़ना, मद कहते हैं अहंकार, मद का मीनिंग अहंकार, मदहोश जो अहंकार में डूबकर अपने होश खो देता है, ईर्ष्या कहते हैं जलन, चराचर जड़ और चेतन, चुकना यानी कि खोना, जन मलिका अर्जुन यहाँ पर शिव के लिए प्रयोग हुआ है। अब उसकी जो प्रसंग है प्रस्तुत कविता जो हमारी है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित, भाग दो में संकलित शैव आंदोलन से जुड़ी हुई कवयित्री अक महादेवी जी के द्वारा लिखी गई है। इसका अनुवाद श्री केदारनाथ सिंह जी ने किया है। कवयित्री ने इन काव्य पंक्तियों में मानव को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का उपदेश दिया है। यहाँ पर जैसे कवयित्री ने कहा हे भूख मत मचल, कवयित्री कहती है हे भूख तू सांसारिक वस्तुओं की कामना के लिए मत मचल, प्यास तड़फा मत, हे प्यास तू कुछ पाने के लिए मुझे मत तड़फा, हे नींद मत सता, फिर नींद से कहा हे नींद तू सोने के लिए मुझे विवश न कर, क्रोध मच मचा उथल पुथल, फिर क्रोध से कि हे क्रोध तू मेरे मन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल मत मचा, हे मोह पाश अपने ढीले कर, पाश कहते हैं जकड़न बंधन, आगे कहते हे मोह तू अपनी जकड़ को कुछ कम कर दे, हे लोभ मत ललचा, हे लोभ तू अधिक लालच मत कर, हे मद हे अहंकार तू और अधिक पागल मत कर, और ईर्ष्या यानी कि जो जलन होती है हे ईर्ष्या तू दूसरों की उन्नति होने पर मुझे मत जला। कवयित्री पुनः कहती है हे जड़ और चेतन संसार यानी ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मलिका अर्जुन का। कवयित्री पुनः कहती है कि जड़ और चेतन संसार तुम्हारे लिए ये महत्वपूर्ण अवसर है, तुम स्वयं को शिव की आराधना में लीन कर दे, मैं सबके लिए चन्न मलिका अर्जुन अर्थात शिव की भक्ति का संदेश लेकर आई हूँ, अतः सांसारिकता को छोड़कर स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे।
निम्न पंक्तियों में कवियत्री के अनुसार संसारिकता को त्याग कर ही प्रभु भक्ति में लीन हुआ जा सकता है। कवियत्री ने काम क्रोध आदि विकारों से भी मानव को सावधान किया है। नंबर 3, मानवीय भावनाओं का मानवीकरण किया, मानवीय पात्रों के रूप को प्रस्तुत किया गया है। निम्न पंक्तियों का जो शैली है वो संबोधन शैली है, भाषा सरल सहज और सरस है, भावानुकूल शैली है। अब यहाँ पर वचन सौरभ का जो दूसरा वचन है उसके बारे में पढ़िए। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। जूही कहते हैं एक विशेष प्रकार का फूल का पौधा होता है और उस फूल के ऊपर जो फूल लगते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह नीचे गिर जाए, यदि मैं उसको उठाने के लिए झुकूं तो कोई कुत्ता आकर ले जाए और उसे झपट कर मुझसे छीन ले। अब कवियत्री जो है यहाँ पर हर प्रकार से भगवान के सानिध्य में रहने का प्रयास करती है, अपनी जो मन की अतृप्ति है वह उसको हर तरह से मिटा देना चाहती है। अक महादेवी उसी प्रकार प्रसंग है जो हमने उपरोक्त पंक्तियों में करवाया। अक महादेवी जी कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे कोमल पवित्र ईश्वर, तुम मेरा सब कुछ छीन लो, तुम मेरा सब कुछ छीन लो, सब सुख सुविधाएं मुझसे छीन लो, लेकिन मुझे अपने सानिध्य में रहने दो, दो मुझे छीन कर कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, यानी कि तुम मेरा जो भी मेरे पास है सब कुछ लेकर के मुझे भीख मांगने के लिए विवश करो, मैं अपना घर मकान आदि सब कुछ भूल जाऊं, यानी कि भीख मांगते हुए मुझे पीछे लौटकर ना देखना पड़े, मुझे घर का कोई लोभ मोह ना रहे और मैं अपने घर को भूल जाऊं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर, यानी कि कुछ ऐसी शक्ति मुझे दो कि मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। आगे कवित्री ने कहा कि काश ऐसा हो कि मैं किसी के सामने यदि अपनी झोली फैलाऊं और मुझे वहां पर भीख भी न मिले, यानी कि मुझे वहां से भी तिरस्कार, मेरा तिरस्कार करके निकाल दिया जाए, मुझे किसी भी प्रकार की भीख न मिले। आगे कवित्री कहती हैं और कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। आगे कवित्री ने कहा यदि कोई मुझे कुछ देने के लिए हाथ भी बढ़ाता है तो मैं ये सोचती हूँ, ये चाहती हूँ कि वो भीख भी मेरी नीचे गिर जाए, तो और यदि मैं झुकूं उसे उठाने। आगे कवियत्री ने फिर कहा है कि हे मेरे प्रभु, यदि मैं उस गिरी हुई भीख को उठाने के लिए आगे बढ़ूं तो आकर के कोई कुत्ता मुझसे उसे छीन ले जाए, यानी कि यदि मैं उसे उठाने का प्रयास भी करूं तो कोई कुत्ता आए और मुझसे छीन कर ले जाए, मैं विवश हो जाऊं और उसे झपट कर मुझे से छीन ले, यानी कि मैं इस तरह से विवश हो जाऊं, इस तरह से लाचार हो जाऊं, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, तभी मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हो सकती हूं, मुझे तो केवल आपका सानिध्य चाहिए। निम्न पंक्तियों में अक महादेवी जी ने सांसारिक या भौतिक वस्तुओं को प्रभु भक्ति के मार्ग से भटकने का प्रमुख कारण मानती हैं। इसलिए वह सभी वस्तुओं को त्याग देना चाहती हैं ताकि वह पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित हो सके। ईश्वर को जूही की कली के समान मनोरम कहना अति कल्पना है। भाषा चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस पद में अपना घर अहंकार के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कवियत्री कहती है अपना घर यानी कि मेरा जो अहंकार है मैं उसे पूरी तरह से, मेरा वह नष्ट हो जाए, कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर भूल जाऊं। निम्न पंक्तियों में कवियत्री ने जिस प्रकार की बातों का वर्णन किया है इससे यदि व्यक्ति अपने लोभ मोह अहंकार ये जो विकार होते हैं इनको भुला दें तो वह कभी भी प्रभु की कृपा दृष्टि से दूर जा ही नहीं सकता। कवियत्री सांसारिक वस्तुओं के मोह को त्याग कर प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहती है। उसका मत है
कि मनुष्य के मन के भटकने का कारण ही सांसारिक वस्तुओं का मोह है। कवित्री ने ईश्वर को जूही के फूल की भांति इसी प्रकार यहाँ कोमल और पावन बताया है। कवित्री निराकारी, कल्याणकारी, दया के सागर तथा शक्ति के भंडार शिव की आराधिका है। उसका भगवान तो पूरे विश्व का रक्षक एवं सुखदाता है। इसी प्रकार कवियत्री कहती है कि मुझे किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का लालच नहीं है। भौतिक वस्तुएं जो होती हैं वो मार्ग से भटकाने के लिए होती हैं। जितना भौतिक वस्तुओं का व्यक्ति प्रयोग करता है वह उनके जाल में फंस जाता है और पंच विकारों का शिकार होकर उस मोह माया के जाल से कभी भी नहीं निकल सकता, इसीलिए वह ईश्वर को भूल जाता है। बच्चों, मैंने यहाँ आपको जो हमारी अक महादेवी जी कवियत्री हैं उनके वचन सौरभ, जो हिंदी में इनका साहित्य है, उसमें से दो वचन यहाँ लिए हैं जिसको मैंने अभी आपको करवाया। तो आप ये अक महादेवी जी का जीवन परिचय और जो व्याख्याएं हैं आप उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। जीवन परिचय उनका आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे मैं आपके लिए इसी कविता के प्रश्न उत्तर लेकर फिर हाजिर रहूंगी।